नमस्कार, मैं कुशल कुमार, चंदन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली? आंसर है ऋतुराज अवस्थी। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर ने उन्हें शपथ दिलाई। दोस्तों, ऋतुराज अवस्थी को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में जो है A.M. खानविलकर ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति ऋतुराज इससे पहले भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न बन सकता है कि ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के कैवा अध्यक्ष के पद पर रहे थे, तो 22वें विधि आयोग के, ठीक है, याद रखेंगे। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। देखिए कि प्रश्न बनते जा रहे हैं, कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो दोस्तों, और एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋतुराज अवस्थी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत भी थे या कार्य कर चुके हैं? तो दोस्तों, किसका होगा आंसर? कर्नाटक। तो देखिए, यहाँ पर दो प्रश्न बना। उसी प्रकार आगे देखते हैं, वही पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली। दोस्तों, इनके साथ ही और दो व्यक्ति शपथ ले लिए हैं, पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में। तो दोस्तों, यहाँ पर और एक प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में ऋतुराज अवस्थी के अलावे और दो कौन से व्यक्ति हैं जो शपथ लिए हैं? तो दोस्तों, आंसर होगा पंकज कुमार और अजय तिर्की ने। तो समझ में आ गया। तो हम देखिए, यहाँ पर तीन प्रश्न और यहाँ पर बनने की संभावना है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आ गया। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो दोस्तों, आंसर है पवन दाऊल लूरी को, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IIT मद्रास जिसे कहा जाता है, के स्नातक जो है पवन दाउलूरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। दाउलूरी ने पिछले विंडोज प्रमुख मिखाइल पार्किन का स्थान लिया है। देखेंगे यहाँ पर और एक प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि पवन दाउलूरी किन का स्थान लिए हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ने उसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख बनाया है, वो किन का स्थान लिए हैं? तो मिखाइल पार्किन का स्थान लिए हैं। समझ में आ गया, याद भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया? तो दोस्तों, आंसर है कमल किशोर। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर एक और प्रश्न यहाँ पर बनेगा। तो दोस्तों, कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन से महासचिव ने, संयुक्त राष्ट्र के कौन से महासचिव ने कमल किशोर को जो है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष रूप से प्रतिनिधि के रूप में जो है चुना है? तो कौन होगा? संयुक्त राष्ट्र महासचिव के एंटोनियो गुटेरस, याद रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 55 वर्षीय
दोस्तों इसकी उम्र कितना है कमल किशोर की? 55 वर्षीय जो है कमल किशोर। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNDRR में सहायक महासचिव और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के जो है सहायक महासचिव भी और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में वे कार्य करेंगे। तो समझ में आ गया, क्लियर है? तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे टीम में शामिल किया है? तो दोस्तों आंसर है केशव महाराज को, क्योंकि अभी जो IPL चल रही है उसमें राजस्थान ने प्रसिद्ध कृष्णा के जगह पे रिप्लेस कर दिया है। अब उसके साथ देखेंगे दोस्तों और भी कुछ प्रश्न बनेगा यहाँ पर। राजस्थान रॉयल्स ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर दक्षिण अफ्रीका, दोस्तों यहाँ पर पूछा जाएगा कि केशव महाराज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी चोटिल मुजीबुर उर रहमान के विकल्प के तौर पर अफगानिस्तान के युवा ऑफ स्पिनर अल्ला गजनफर को टीम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे और एक प्रश्न बन रहा है, जो KKR कोलकाता नाइट राइडर्स ने चोटिल मुजीबुर और रहमान के स्थान पर किस खिलाड़ी को यहाँ पर चुना गया है? तो दोस्तों वो चुना गया है अल्ला गजनफर, जो अफगानिस्तान के ऑफ स्पिनर प्लेयर है, खिलाड़ी है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, अंपायरों के ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन है? आंसर है सरफुदौला इब्न शाहिद। देखेंगे दोस्तों इसके बारे में जानते हैं, बांग्लादेश के सरफुदौला इब्न शाहिद हाल ही में अंपायरों के ICC एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर बन गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज है कि सरफुदौला इब्ने शाहिद जो है बांग्लादेश की ओर से अंपायरों में बनने वाले, अंपायर बनने वाले पहले जो बांग्लादेशी यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर है? तो दोस्तों अंपायर है वही भारत के नितिन मेनन, भारत के जो अंपायर है नितिन मेनन 5 बार इस पैनल में शामिल हुए हैं। कौन सा पैनल? हम ICC एलिट पैनल में, ठीक है? तो दोस्तों मेनन 12 सदस्यीय क्लब में एकमात्र भारतीय बने हुए हैं। तो दोस्तों 12 सदस्यीय क्लब में सिर्फ एकमात्र जो है मेनन, जो है नितिन मेनन, वो भारत के पहले ऐसे जो है अंपायर है जो बने हुए हैं, ठीक है? और इनके अलावे और कोई नहीं है। तो समझ में आ गया? तो याद रखेंगे बांग्लादेश के जो नए पहला ऐसा अंपायर है जो इस ICC एलिट पैनल में शामिल हुआ है, नाम रहेगा सरफुदौला इब्ने शाहिद। देखिए दोस्तों नाम भी बहुत अजीब है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, नाम सुने नहीं है ऐसा लगता है, पर आप एक पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है? तो इंडिया के कौन हो गया? नितिन मेनन, ठीक है, जो 5वीं बार बने हैं, याद रख लेंगे, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा पोपो कैटेपेटल ज्वालामुखी, दोस्तों यहाँ पर पोपो कैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको के राष्ट्रीय आपदा निवारण केंद्र के अनुसार पोपो कैटेपेटल ज्वालामुखी में जो है पिछले महीने कई बार विस्फोट हुए। पोपो कैटेपेटल ज्वालामुखी देश की राजधानी से, जो मेक्सिको है देश की राजधानी से 50 मील की दूरी पर स्थित है।
मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के, अब दोस्तों देखेंगे मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों इसके अलावे देखेंगे और ये दो प्रश्न यहाँ पर बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बनेंगे कि जो मैक्सिको है अमेरिका के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिणी भाग में, ठीक है। और यह कौन सा अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका। दो तरह, एक होता है उत्तरी अमेरिका और एक होता है दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों मेक्सिको जो है वो उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में स्थित है। और दोस्तों और एक यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मैक्सिको है वह दुनिया का कौन सा, मतलब कैवा बड़ा देश है, तो कौन सा होगा, 13वां सबसे बड़ा देश है। यानी इनका जो नंबर होगा वो 13वें स्थान पर होगा, 13 नंबर पर आएगा। समझ में आ गया। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में है। तो दोस्तों आंसर है यूएसए में है, याद रखेंगे। हाल ही में यूएसए के मैरीलैंड, मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में एक बड़ा हादसा हो गया जब सिंगापुर का एक बड़ा मालवाहक जहाज फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया और पुल टूटकर पानी में गिर गया। यह ब्रिज बाल्टीमोर शहर में पोटाप्सको नदी नदी पर साल 1977 में बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर और एक यहाँ पर रोचक चीजें हैं यहाँ के, जानेंगे कि यूएसए में जो है यह बाल्टीमोर ब्रिज स्थित है। अब ये दोस्तों यूएसए में कहाँ पर पूछा जाए, तो मैरीलैंड के जो बाल्टीमोर है, ठीक है। एक हादसा हो गया था जो सिंगापुर का एक बड़ा मालवाहक जहाज है वो वहां पर टकरा गया था, जिसका नाम देखिए फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज पर, ठीक है। जो मालवाहक जहाज क्या हुआ था, फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से वो टकरा गया था। तो दोस्तों पुल टूटकर क्या हो गया, पानी में गिर गया। साथ ही साथ दोस्तों यह बाल्टीमोर शहर जो है, अब ये और एक प्रश्न पूछेगा कि बाल्टीमोर जो शहर है यानी बाल्टीमोर शहर वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखेंगे पोटाप्सको नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और यह ब्रिज कब बनाया गया था, तो साल 1977 में, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसी तरह दो चार प्रश्न बनते जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में वो किसी भी स्थिति में वो क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। हर वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय ब्लैक फॉरेस्ट केक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आंसर है 28 मार्च को मनाया जाता है। हर साल 28 मार्च को डेसर्ट का शौक रखने वाले लोग राष्ट्रीय ब्लैक फॉरेस्ट केक दिवस का सम्मान करने के लिए दुनिया भर में एक साथ आते हैं, ठीक है। डेजर्ट का जो शौक रखने वाला होता है मनुष्य, वह लोग राष्ट्रीय ब्लैक फॉरेस्ट केक दिवस का जो है सम्मान करने के लिए ही वो दुनिया भर में एक साथ आते हैं। यह विशेष उत्सव, दोस्तों यह जो उत्सव होता है, प्रसिद्ध और पोषित ब्लैक फॉरेस्ट केक को एक श्रद्धांजलि होता है, ठीक है। तो दोस्तों यह जो एक उत्सव होता है, प्रसिद्ध और पोषित जो ब्लैक फॉरेस्ट केक को एक श्रद्धांजलि है, ठीक है। समझ में आ गया। तो पूछा जाए तो कब मनाया जाता है, 28 मार्च को, ठीक है, याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है, किस ओलंपिक चैंपियन को एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों आंसर है नीरज चोपड़ा को। एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया EIIL ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मौजूदा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और पुरुषों की भाला फेंक में 20 नंबर 1 नीरज चोपड़ा के साथ साझेदारी की
घोषणा की है। तो दोस्तों यहाँ पर और एक प्रश्न बन, यहाँ पर कुछ प्रश्न बन सकता है कि जो नीरज चोपड़ा है वह किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आंसर होगा भाला फेंक से, जो विश्व का नंबर एक खिलाड़ी है, ठीक है, भाला फेंक में। और दोस्तों वह क्या है जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता भी रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये प्रश्न मैं पिछले क्लास में दे चुका हूं, आप लोग सभी ने इस प्रश्न का आंसर किए हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या है सभी कर लिए हैं, अब देखेंगे मैच करके इसका सही आंसर क्या होगा। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 बहुत चर्चित रहा है, जो हाल ही में समाचारों में देखी गई कि संगठन द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है यह किस संगठन के द्वारा किया गया है, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम, यानी आंसर होगा डी, ए और बी। ए और बी कहने का मीन्स है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान, ये दोनों के द्वारा ही यह जो है प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान जो है ILO और ISG द्वारा सब प्रकाशित, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं मानव विकास संस्थान ILO और ISG द्वारा जो सब प्रकाशित भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 भारतीय युवाओं के लिए। अब दोस्तों यह क्यों यह सुर्खियों में था, क्यों यह चर्चित में था, उसके बारे में देखते हैं। भारतीय जो भारत के जो रहने वाले युवा हैं, युवाओं के लिए नौकरी खोजने में चल रही चुनौतियों को रेखांकित करती है। तो दोस्तों भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जो है यह कहता है कि जो भारतीय युवाओं के लिए जो नौकरी के जो इच्छा रखते हैं उनको जो चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उसी के बारे में यह रेखांकित करती है। तो यह उसी से संबंधित रहा है जो चर्चित रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, तो दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या होगा। हाल ही में कहां मेदिन पोया उत्सव मनाया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन सही होगा, उसको चूज करके आपको सही आंसर को टिक करना है, यानी टिक करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की जो जानकारी है वो आप तक पहुंच गई और आप समझ भी गए और देख भी लिए क्या बहुत सारे चीजें जो घटनाएं घटी है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो चंदन क्लासेस ऐप से भी क्लास कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्लास करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।